Subscribe to my channel and hit the notification bell next to it to make sure you never miss updates from this. Hi guys, welcome back to my channel Kaushiki Hair, and आज मैंने किया ये huge Club Factory haul. So यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें purchase की हैं, बहुत सारी accessories, shoes, clothing items and all. आप आगे जाके देख लेना. So आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ वहाँ जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना. उसके बगल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी हिट कर दीजिएगा. और आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी वो आपको सबसे पहले नोटिफाइड रहेगी. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो मैंने वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग की है. मैंने बहुत सारी वियर्ड चीज़ें भी ली हैं, वियर्ड बट हेल्पफुल चीज़ें ली है. वहाँ से मैं वियर्ड चीज़ें ले लेती हूँ, उसका कोई यूज़ नहीं होता तो वो फालतू के पैसे खर्चने वाली बात हो जाती. बट मैंने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपके डेली नीड्स में बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगी. मैंने यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें ली हैं और मुझे इन चीज़ों से इतना ज़्यादा प्यार हो गया है. सो दैट आप भी इसे देखोगे तो आपका भी ज़रूर मन करेगा कि एक बार वहाँ से शॉपिंग कर लूँ. अगर आप वहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं. सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एंड देखते हैं मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है. सो रैंडमली चीज़ें शुरू करते हैं. मैं कुछ एक के बाद एक नहीं दिखाने वाली हूँ. जो मेरे हाथ में आएगा मैं वो आपको फर्स्टली दिखा दूँगी. सो जो मैंने फर्स्ट आइटम वहाँ से परचेज़ की है इज़ दिस, एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल हेयर बैंड. एंड ये बहुत ही प्यारा है. इसमें दो शेड्स थे, सिल्वर एंड गोल्ड, एंड इसमें से मैंने गोल्ड परचेज़ किया है. सो ये मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा और ये इतना क्लासी लगता है पहनने पे. आप इसे इतनीक वेयर एज वेल एज वेस्टर्न वेयर के साथ भी वेयर कर सकते हो. सो प्लस पॉइंट इज़ दैट इसका एंड बहुत अच्छा है. बहुत सारे हेयर बैंड ऐसे होते हैं जिसको यूज़ करने के बाद थोड़ी देर के बाद इरिटेशन होने लगती है, बट इसका एंड बिल्कुल भी पॉइंटेड नहीं है. आपको यूज़ करने के बाद इरिटेशन नहीं होगी बिकॉज मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये किस तरीके का है. बहुत प्यारा है, एट द सेम टाइम बहुत अफोर्डेबल है, बहुत क्लासी लगता है इसको वेयर करने पे. तो सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ वो है ये है एक बो क्लिप. इज गोल्डन कलर. इसमें बहुत सारे शेड्स थे जिसमें से मैंने ये गोल्डन पिक किया बिकॉज ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था. तो ब्लिंकी सा है ये, एंड इसके पीछे कुछ इस तरीके का बैक पिन टाइप क्लिप है. आई थिंक इसमें अगर टिक टाक क्लिप रहता तो ज़्यादा प्यारा लगता. बहुत ईजी होता है अप्लाई करने में, बट देन ऑल्सो ये बहुत ही प्यारा है. आप अगर जुड़ा बनाते हो तो उसके साइड पे भी ये प्लेस कर सकते हो, एंड ये बहुत ही प्यारा लगेगा जब आप इसे वेयर करोगे. तो बहुत ही क्यूट लग रहा था मुझे ये, इसलिए मैंने ये परचेज कर लिया. तो नेक्स्ट थिंग मैंने वहाँ से परचेज की है इज दिस इज़ द बन मेकर. अगर आपके बाल छोटे हैं और आपको बन बनाना है तो आप इसको यूज़ करके बन बना सकते हैं. तो नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज की है इज़ दिस इज़ द ब्यूटिफुल गोल्डन बेल्ट. इस तरह के बेल्ट आपके पास होने ही चाहिए, बहुत प्यारे लगते हैं. आप यहाँ पे जो लीव्स बने हुए हैं इसीलिए बकल है, आप इसको बकल से फिट कीजिए एंड बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पे. आप इसे साड़ीज़ के साथ भी वेयर कर सकते हो एंड इसे वेस्टर्न वेयर के साथ भी वेयर कर सकते हो. ऑल इन ऑल ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. तो जो नेक्स्ट थिंग मैंने वहाँ से परचेज़ की है इज़ दिस इज़ द ब्लैक वाइट बेल्ट. एंड इस तरह के वाइट बेल्ट्स बहुत प्यारे लगते हैं. अगर आपकी कोई ड्रेस है जिसको आप थोड़ा सा कर्व चाहते हो उसमें, तो आप इस तरीके के बेल्ट्स पहन सकते हो, बहुत प्यारे लगते हैं इस तरीके के बेल्ट्स. आजकल साड़ीज़ पे बहुत अच्छे लगते हैं बेल्ट. अगर आप सेलेब्स को देखोगे तो शिल्पा शेट्टी बहुत कैरी करती है इस तरीके की साड़ीज़ विद बेल्ट एंड ड्रेसेस विद बेल्ट. इट मस्ट हैव, आपके पास होने चाहिए इस तरीके के बेल्ट. सो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ से परचेज़ की है इज़ दिस, ये है फॉर हेयर स्टाइलिंग एंड इसका मैं हेयर स्टाइलिंग वीडियोज़ बहुत जल्दी करने वाली हूँ, इससे मैंने ये परचेज़ किया है। इसमें एक टेल कूम है एंड ये वाइड वाला जो होता है बाल फंसा के ब्रेड से निकाल सकते हो एंड और बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग होती है इससे एंड मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गया ये मुझे। सो या इट्स अ मस्ट बाय, ये भी होनी चाहिए आपके पास। तो मैं आगे बताऊंगी आपको कि आप किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आप मेरे हेयर स्टाइलिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड जो नोटिफिकेशन बेल है ना बगल में उसे भी हिट कर दीजिएगा। सो जो मैं ये वीडियोज़ मैं आगे बनाऊंगी ना वो आपको सबसे पहले दिख जाएंगे। सो नेक्स्ट थिंग जो मैंने वहाँ से परचेज़ की है इज़ दिस इज़ आईब्रो पेन। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड आई लाइक दिस बिकॉज आईब्रोज बहुत टाइम ऐसे होते हैं जब हमें कहीं जाना होता है एंड आईब्रोज बढ़ जाते हैं, आपको पार्लर जाने का टाइम नहीं होता, तब शायद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, पेन टाइप स्ट्रक्चर है इसका। बैटरीज वगैरह कुछ नहीं है इसमें, बैटरीज डालूंगी। सो मैं इसका फुल रिव्यू कर दूँगी आपके साथ कि कैसे वर्क करता है एंड ऑल, ये वर्थ इट है या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं, बहुत जल्दी इसका वीडियो डाल दूंगी। तो जो नेक्स्ट थिंग मैंने वहाँ से ली है जो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड एंड यूजफुल दिख रहा था वो है ये एंड ये है एक हैंड स्विंग मशीन। येस, यू हर्ड राइट, हैंड स्विंग मशीन है ये एंड ये कुछ इस तरीके से दिखती है, स्टेपलर जैसी, सी दिस। एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक थ्रेड दिया हुआ है एंड यहाँ पे नीडल है, ये कुछ स्टिक के स्टेपलर जैसी है। इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है ये आई थिंक थ्रेड डालने के लिए होगा, लंबी थ्रेड डालने के लिए एंड मुझे कोई मैनुअल वगैरह कुछ रिसीव नहीं हुआ है एंड मैं इसका भी बहुत जल्दी रिव्यू डालूंगी कि आप किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको उससे कुर्ती वगैरह में ऑल्ट्रेशन चाहिए होता है एंड उसके लिए आप टेलर के पास भागते हो। इट्स बेटर कि आप इस तरीके की कोई हैंडी चीज़ दे लो तो फटाफट आप अंडरलाइन करो कि आपको कहाँ से ऑल्ट्रेशन चाहिए एंड फटाक से स्टिच कर दो हैंड से। सो मैंने भी अभी यूज़ नहीं किया है, मैंने भी इसे जस्ट ओपन किया है। मैं देखती हूँ किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, मैं पूरा इन डेप्थ रिव्यू डाल दूँगी। तो नेक्स्ट थिंग जो मैंने वहाँ से ली है इज़ दिस, ये है एक मैनिक्योर टूल एंड ये कुछ इस तरीके का है, इस तरीके के पाउच में मुझे रिसीव हुआ है ये एंड यहाँ पे एक मैनुअल भी मिल रहा है आपको। अगर आपने मेरा AliExpress हॉल देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई लिंक पे डाल दे रही हूँ, जाके देख लो, बहुत अच्छा हॉल है, बहुत इंटरेस्टिंग हॉल है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वहाँ पे टच कर लो, वहाँ पे भी मैंने आप दे दिया है, वहाँ पे भी देख लेना जाके। क्योंकि मैंने वहाँ से लिए हैं पॉली एंड एक्रेलिक नेल्स का सेट एंड मुझे उसको अपने हैंड्स पे यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी जो मुझे AliExpress पे सही नहीं दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने इसे क्लब फैक्ट्री से मंगा लूँगी एंड ये वही चीज़ें हैं। एंड मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं कुछ ग्राइंडिंग टूल्स एंड ये है मशीन एंड ये मुझे चाहिए था फॉर द नेल्स। मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, मुझे बड़े नेल्स का बहुत ज़्यादा शौक है। सो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी कि आप घर बैठे किस तरीके से एक्रेलिक नेल्स बना सकते हो अपने हाथों में। सो ये वही है एंड मैं इसे यूज़ करूँगी बहुत जल्द एंड बहुत जल्दी मैं वीडियोस में आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से वर्क करता है एंड इसको कहाँ इसके जो मशीन्स हैं और ब्लेड्स हैं वो किस तरीके से आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, ये है एक यूवी लैम्प, कुछ इस तरीके का है, इसमें मैनुअल है एंड ये लाइट्स देने के लिए है इसमें एंड ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ से लाइट ऑन होती है, इस जगह से लाइट आती है, यहाँ पे सेकंड्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे टाइमर जल जाता है जैसे इसे ऑन करते हो एंड आप यहाँ से ये जो वायर है इसे आप यहाँ से इंसर्ट करके एंड ये वाला जो पॉइंट है आप इसे चार्जर में लगा सकते हो एंड ये बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक इसे यूज़ भी नहीं किया है बट मैं देखती हूँ कि किस तरीके से काम आता है बिकॉज यूवी लैम्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप एक्रेलिक नेल्स यूज़ करते हो तो। एंड नेक्स्ट थिंग जो मैंने वहाँ से ली है इस हेयर एक्सटेंशंस, ये ब्लैक कलर में है बिकॉज मेरे बाल थोड़े से ब्लैक ही हैं एंड ये 5 क्लिप हेयर एक्सटेंशन है, यहाँ पे 5 क्लिप्स हैं एंड इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लिटरली बहुत सॉफ्ट है। आई थिंक ये 60 इंचज़ है। सो मेरे बाल बहुत बड़े हो जाते हैं इसको लगाने से एंड वेवी भी हो जाते हैं बिकॉज आई नीड हेयर एक्सटेंशन और क्लब फैक्ट्री पे हेयर एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा सस्ते हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं तो आप इस तरीके के एक्सटेंशंस ले सकते हो। ये मैंने कर्ल में लिया है, इसमें स्ट्रेट्स भी आते हैं, कलरफुल भी आते हैं, इसलिए मैंने कर्ल में लिया बिकॉज मुझे कर्ली बाल पसंद है एंड बार बार मुझे हेयर कर्ल करने की ज़रूरत नहीं है। इसे लगाने के बाद बहुत अच्छा इफेक्ट आता है अपने बालों पे। एंड वहाँ से मैंने एक और हेयर एक्सटेंशंस लिए हैं जो थोड़े से ब्राउनी है। एक्चुअली मैंने डार्क ब्राउन शेड मंगाया था बट ये मुझे उन्होंने लाइट ब्राउन दे दिया है, सो आई थिंक ये उनका डार्क ब्राउन ही होगा। बट मेरे हेयर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा लाइट है बट हाईलाइटेड इफेक्ट के हिसाब से ये अच्छा ही लगता है। इसका शाइन देख रहे हो आप कितना ज़्यादा शाइन है, ये ब्लैक में शायद इतना शाइन समझ में नहीं आ रहा होगा बट इसमें ये बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहा है। इसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप इसे एज अ हाईलाइटेड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ से परचेज़ की है इज़ बॉडी शेपर्स। सो ये है वो बॉडी शेपर, दिस इज न्यूड इन कलर, जहाँ पे इस तरीके से रॉड्स लगे हुए हैं दोनों साइड्स पे। मैंने वहाँ से एक और बॉडी शेपर लिया है। सो इस तरीके से बॉडी शेपर है जो जिसमें इस तरीके से यहाँ पे हुक्स लगे हुए हैं, अपने बॉडी के हिसाब से आप अपने हुक्स को लगा लीजिए। सो मैं बहुत जल्दी वीडियो करने वाली हूँ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी शेपर्स एंड किस तरीके से वर्क करता है। तो जो नेक्स्ट थिंग मैंने वहाँ से परचेज़ की है इज़ आई लैशेज़ एंड मैंने यहाँ से ढेर सारा आई लैशेज़ परचेज़ किए हैं बिकॉज वहाँ आई लैशेज़ बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। एट द सेम टाइम बहुत डिफरेंट टाइप के आई लैशेज़ हैं एंड आई लैशेज़ लगाने से आपका फेस टोटली चेंज हो जाता है। आप कुछ मत लगाओ, बस आई लैशेज़ लगा लो एंड लिपस्टिक लगा लो एंड उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है आपके फेस पे, आपका फेस का बिल्कुल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है आई लैशेज़ लगाने के बाद। सो मैंने बहुत सारे आई लैशेज़ लिए हैं एंड ये बहुत सस्ते हैं। सो फर्स्ट आई लैशेज़ इज दिस द पेयर ऑफ 10, इसमें मैंने एक यूज़ कर लिया है। तो ये सिंपल आई लैशेज़ हैं, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, कुछ भी ड्रामेटिक नहीं है, ये सिंपल आई लैशेज़ हैं फॉर डेली यूज़ और जब आप कहीं कुछ सिंपल तरीके से कहीं जा रहे हो तो। एंड नेक्स्ट आई लैशेज़ है और वो है कुछ ये है 5 का सेट। ये उस तरीके के 3D आई लैशेज़ हैं, अगर आप देख सकते हो तो फोकस। तो इस तरीके की 3D आई लैशेज़ हैं एंड ये आई लैशेज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप लगाओगे तो बहुत प्यारा 3D इफेक्ट मिलता है आपको इसको लगाने से। एंड नेक्स्ट आई लैशेज़ इज़ दिस, ये भी 5 का सेट है एंड आप देख सकते हो। एंड मैं बता दूँ यहाँ पे मैंने जितने आई लैशेज़ यहाँ से लिए हैं कोई भी आई लैशेज़ हार्श नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, चुभ रहा है आपकी आँखों को, हैवी लग रहा है आपकी आईज़ पे। नो, दे आर वेरी सॉफ्ट, दे वेरी लाइट वेट। एंड ये जो आई लैशेज़ आप देख रहे हो दीज आर माई फेवरेट्स बिकॉज इसकी आई लैशेज़ की जो लेंथ है एक्सट्रीमली बहुत ही लंबी है एंड आपके आई लैशेज़ को बहुत अच्छा कर्ल इफेक्ट भी है इसमें। सो आई लव दिस लैशेज़, ये लैशेज़ मेरे इन सब में से फेवरेट है। एंड नेक्स्ट जो मैंने आई लैशेज़ ली है वो बहुत ही लॉन्ग आई लैशेज़ है एंड बहुत ही डेंस आई लैशेज़ है। लेट मी शो यू। सो दीज आर द लैशेज़ एंड दीज आर ऑल्सो 5 इन सेट्स एंड आप देख सकते हो उस लैशेज़ की लेंथ कितनी ज़्यादा लंबी है एंड ये लैशेज़ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इतने सस्ते में आपको 5 आई लैशेज़ 10 आई लैशेज़ का सेट नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट आई लैशेज़ मैं आपको शो कर रही हूँ इज दिस, दीज आर द मैग्नेटिक आई लैशेज़ एंड इस तरीके का वियर्ड आई लैशेज़ मैंने कहीं नहीं देखा था। जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ कॉर्नर्स में मैग्नेट्स लगे हुए हैं तो ये मुझे बहुत वियर्ड एंड यूज़फुल लगा बिकॉज तो कहीं जल्दी जल्दी में हो आपको आई लैशेज़ लगाना ज़रूरी है बिकॉज अच्छे लगते हैं आई लैशेज़ तो आप मैग्नेटिक आई लैशेज़ लगा सकते हो। तो मुझे इस तरीके का फील हुआ इसलिए मैंने इसे लिया। सो मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से वर्क करता है। तो नेक्स्ट मैंने कुछ मेकअप लिया है वहाँ से, मुझे वहाँ पे कुछ मेकअप दिखा था तो मैंने वे लिया। दिस इज़ द आईब्रो पेंसिल एंड इसका एंड दिस इज़ द ड्रॉइंग आईब्रो पेंसिल। This is in the shade number 5. 5 is the dark brown shade and ये आईब्रो पेंसिल, इस तरीके की आईब्रो पेंसिल्स मैंने पहले भी एक बार ऑर्डर की थी वहाँ से जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वाटरप्रूफ नहीं कह सकते बट वाटर रेजिस्टेंट है, काफ़ी टाइम तक आपके फेस पे रह जाती है आईब्रोज पे। तो मैं दिखा दूँ किस तरीके का है। शुगर के जिस तरीके के आर्क अराइवल पेंसिल्स हैं ये उस तरीके का है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो शेप दिया हुआ है वो इस तरीके से आर्क शेप में है जिससे आपको आईब्रो फिल करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। एंड दूसरे साइड में इस तरीके की स्पूली दी हुई है फॉर सेटिंग योर आईब्रोज। सो मुझे 115 रुपीज़ का ही पड़ा था एंड मुझे ये बहुत अफोर्डेबल लगा एट दैट प्राइस। सो सेकेंड थिंग जो मैंने वहाँ से लिया है इज़ दिस इज़ द हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट एंड दिस इज़ द ट्यूब। ऑब्वियसली दिस इज़ ट्यूब। सो मैंने इसे यूज़ किया है एक्चुअली मैं देखने के लिए किस तरीके से वर्क करता है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है ओरिजिनल जैसा, बिकॉज ओरिजिनल में भी इस तरीके से सी थ्रू है पैकेजिंग। एंड लेट मी टेल यू, इसको लेने से मेरे पूरे पैसे आई थिंक मैंने बर्बाद कर चुकी हूँ, बिकॉज एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक बार ही सिर्फ प्रोडक्ट पिक किया था। सी दिस, मैंने सिर्फ एक बार प्रोडक्ट पिक किया है अपने हाथों से, ये पूरी तरीके से झड़ रहा है मेरे हाथों पे बिकॉज बहुत ज़्यादा पाउडरी है, ये चौकी है आपके आइज़ पे। आई डोंट नो कैसे, मुझे लगता नहीं ये काम करने वाला है। एक बार प्रोडक्ट मैंने इस पर एक बार प्रोडक्ट पिक किया एंड यहाँ पे मैंने पैन हिट कर दिया ऑलरेडी। सो ये मैंने यूज़ नहीं किया और पैन हिट भी हो चुका है इसमें। सो इसका जो शेड है वो ठीक ही है, हाथ पे भी ठीक ही आ रहा है, बट आइज़ पे जब आप इसे बिल्ड करते हो तो वो अच्छे से बैठता नहीं है। मुझे इतना पसंद नहीं आया ये। इसमें जो शिमरी शेड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा चौकी है। एज यू कैन सी कितने ज़्यादा पाउडरी है। तो इट्स अ टोटली वेस्ट ऑफ मनी। आप वहाँ से अगर लेना चाहते हो जो आई शेडो पैलेट और आपको अच्छा दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है, तो मत लो बिकॉज इट टोटली वेस्ट ऑफ मनी। आपको भी अगर ये चीज़ें खरीदनी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। एंड मैं इन सब चीज़ों का जो रिव्यू है वो मैं बहुत जल्दी डालूंगी, सो वो भी देख लेना आप। So if you like this video, please give a big thumbs up and share it with your friends and subscribe my channel and the notification bell उसे भी hit कर दीजिए वरना आपको notification नहीं आएगी। So till then, bye bye.